Hey everyone, my name is Dhruv और आज हम unboxing and review करने वाले Realme DuoStar 500 feature phone का। Realme 10 Pen काफी अच्छे-अच्छे smartphone launch करता है, साथ में Realme ने feature phone market में भी entry कर लिया है, जिसमें दो phone का launch किया है, एक है DuoStar 300, दूसरा DuoStar 500, जिसकी आज हम बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं price के बारे में। अभी इसकी offer price only 1799 मतलब 1,1800 रुपीस है। अगर आपको वीडियो को देखने के बाद इस फोन को परचेस करना है, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस फीचर फोन में आपको फीचर फोन में मिलने वाले फीचर्स जैसे कि आपको कलर डिस्प्ले, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ, टॉर्च, ड्यूअल सिम सारा आपको मिल जाएगा, जिसको हम पूरा चेकआउट कर लेंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो बहुत ही यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव से वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में आप बेल आइकन प्रेस कर लेना, जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये फीचर फोन आप में से किसी का होने वाला है, उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में कमेंट करना है आपको ये फोन क्यों चाहिए, साथ में आप अपना मेल आईडी मेंशन करना मत भूलना, सो मैं वो कांटेक्ट कर पाऊ। और मैं इस गिव अवे का विनर का अनाउंसमेंट 20 जुलाई को करने वाला हूँ, सो आप थोड़ा वेट कर लेना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ DuoStar 500। ये रहा DuoStar 500 फीचर फोन का बॉक्स है। फ्रंट साइड में आपको डिजो की ब्रांडिंग एंड मॉडल नेम लिखा मिलता है। बॉक्स की दोनों साइड में आपको इस फोन के सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसको हम पूरा चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले आपको मिलता है यूजर मैनुअल। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, आपको मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपको मिलता है माइक्रो यूएसबी चार्जर, जिससे आप अपने फीचर फोन को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलती है एक बैटरी जो आपको फोन के आउटसाइड में मिल जाएगी, जिसको हम इंसर्ट करने वाले हैं। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट DuoStar 500 फीचर फोन, जो आपको तीन कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, ग्रीन एंड सिल्वर। मैंने इसको आपके लिए ब्लैक कलर में ऑर्डर कर दिया है। सो सबसे पहले हम इस बैटरी को हमारे फ़ोन के अंदर इंसर्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको एक कटआउट मिलेगा, सिंपली यहाँ से पुल करके अपने बैक कवर को ओपन कर सकते हैं इस तरह से। इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से करना, नहीं तो आपका बैक कवर क्रैक हो सकता है, सो आप थोड़ा ध्यान से करना। इसको मैं अभी आपके सामने ओपन कर रहा हूँ इस तरह से। सो इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ड्यूअल सिम का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे आप दो माइक्रो सिम इंसर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड मेमोरी का स्लॉट मिलता है, जिसमें आप मैक्सिमम 64 GB का मेमोरी कार्ड इंस्टॉल कर सकते हो। अब इस बैटरी को यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ इस तरह से। ये रहा इसका पैकेज, इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। और ये इंसर्ट हो चुकी, या फिर इसको बैक करके फिर से यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके अपने फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ। देखो ऑन हो चुका। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इस फोन का वेट ओनली 108 ग्राम है, जो काफ़ी लाइट वेट है। ये फ़ोन पूरा आपको बॉक्सी डिज़ाइन में मिल जाएगा, सो इसको बैग या पॉकेट में कैरी करना बहुत ही आसान है। साथ में बात करते हैं मटेरियल क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे काफ़ी हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल आपको मिल जाएगा। बैक साइड में पूरी आपको रफ सरफेस मिलती है, जिसको बहुत ही ग्रिप के साथ होल्ड कर सकते हो इस तरह से, तो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल बन जाएगा। ये फ़ोन बैक साइड से पूरा आपको एक स्मार्टफोन की फील प्रोवाइड करता है। सो ओवरऑल काफ़ी आपको गुड लुकिंग एंड प्रीमियम डिज़ाइन, काफ़ी तगड़ी क्वालिटी के फीचर फोन आपको इस प्राइस पॉइंट में मिल जाएगा। बैक साइड में आपको डीसीओ की ब्रांडिंग मिलती है, ऊपर आपको सर्कुलर कटआउट में पूरा कैमरा सेटअप मिलता है। यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कैमरा लेंस मिल जाएगा। ये फोन की दोनों साइड पूरी आपको क्लीन मिल जाएगी, इस तरह से पूरी आपको क्लीन दोनों साइड मिलती है। ऊपर के साइड में आपको एक लाइट स्ट्रिप मिलती है, इसको भी ऑन करते हैं इस तरह से। मैं लाइट स्ट्रिप को ऑन कर रहा हूँ लॉन्ग प्रेस करके। ये लाइट आपको अंतरिक्ष के टाइम काफ़ी अच्छी लाइट प्रोवाइड करती है। इसको आप पावर कट के टाइम बहुत ही आराम से यूज़ करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये फ़ोन। पावर कट के टाइम इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, काफ़ी आपको अच्छी लाइट मिल जाएगी। इसको देखो अभी ऑफ हो चुकी। नीचे की साइड में आपको 3.5 mm जैक मिलता है, बाजू में आपको माइक्रोफोन मिलेगा, बाजू में आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है इस फोन को चार्ज करने के लिए। अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पे आपको 2.8 इंच QVGA LCD डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी साइज में आपको मिलती है, काफ़ी अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा। इस डिस्प्ले में काफी अच्छी आपको ब्राइटनेस मिलती है। इस फोन को आप इंडोर एंड आउटडोर दोनों कंडीशन में बहुत ही आराम से यूज कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इस फोन को लास्ट दुनिया से अपने सेकेंडरी फोन की तरह यूज कर रहा हूँ। मैंने इसको बहुत बार कॉलिंग के साथ ट्राई किया, कॉलिंग आप काफी अच्छे से कर सकते हो, काफी आपको अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है, कॉलिंग करना बहुत ही आसान है, कितना अच्छा लुक भी आपको मिल जाएगा, काफी अच्छे आपको साउंड मिलती है, बिल्कुल डिस्टेंस पे कॉलिंग कर सकते हो। साथ में बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 1900 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने चेक किया, इसको फुल चार्ज करने के लिए मिनिमम ऑलमोस्ट आपको 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। और एक बार फुल चार्ज करने के बाद
बाद ये फोन आपको 17 घंटे का कॉलिंग टाइम प्रोवाइड करता है। सो इस हिसाब से आपका फोन आराम से 5-6 दिन तक चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इस फोन में ज्यादा इस लाइट को यूज करते हो या फ्लैश को यूज करते हो भी आपका फोन आराम से 4-5 दिन तो चल ही जाएगा। सो आपको इस फोन में बैटरी लाइफ के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी हम बात करते हैं टेक्निकल स्पेक्स के बारे में। इस फोन में आपको 32 MB की रैम मिलती है, 32 MB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा जिसको आप 64 GB तक एक्सपांड कर सकते हो। इस फोन में आप इसकी इंटरनल स्टोरेज में 1000 कॉन्टैक्ट्स एंड 200 मैसेज को आप सेव कर पाओगे। सिंपली आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हो इस तरह से। देखो अभी लॉक होगा, यहाँ पे फिर से क्लिक करके अपने फ़ोन को आप अनलॉक कर सकते हो। काफ़ी को अच्छा फीचर मिलता है। बात करते इसके मेन्यू के सारे फंक्शन के बारे में, सबसे पहले आपको कॉल लॉक्स मिलेगा, बाजू में आपको कॉन्टैक्ट सारे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑडियो प्लेयर मिलता है। अब इससे कोई भी ऑडियो है नहीं तो यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई मल्टी मीडिया जिसमें अपने वीडियो को आप रन कर सकते हो। बाजू में आपको मैसेज मिलेगा, यहाँ पे आपको कैमरा मिलेगा। इस फोन में आपको 0.3 MP का कैमरा मिल जाएगा, कुछ खास कोटी आपको मिलने वाले है नहीं। देखो कुछ भी आपको दिखेगा नहीं इस कैमरा में, थोड़ा बहुत आप क्लिक कर सकते हो पर इसमें स्टोरेज है नहीं। तो कैमरा आपको बहुत ही ख़राब मिलता है, कैमरा किसको बिल्कुल भी परचेस मत करना। यहाँ पे आपको माई फाइल्स मिल जाएगा जिसमें आपको सारा आपका फोटोज वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाजू में आपको FM रेडियो मिलता है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। इसको मैं अभी ऑफ रखता हूँ नहीं तो मेरे वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। सो इस फोन को आप कोई भी केबल को यूज़ कर बिना अपने FM रेडियो को यूज़ कर पाए, जो काफ़ी एक अच्छा फीचर है। इसको आप गांव में काफ़ी आराम से इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। इस FM रेडियो को भी इसको एक्सिट कर रहा हूँ। बाजू में आपको पूरा कैलकुलेटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नीचे आपको इमेजेस के लिए पूरा फोल्डर यहाँ पे मिलता है, कोई इमेजेस तो है नहीं। सेटिंग्स मिल जाएगा, यहाँ पे अपना फोन सेटिंग डिस्प्ले सेटिंग सारा आप कर सकते हो। बाजू में आपको टूल्स मिलते हैं, वॉल क्लॉक मिलती है, कैंडल मिलते हैं, अलार्म टॉर्च सारा आपको मिल जाएगा। इसको इस तरह से मैं चलो ऑन कर रहा हूँ, टॉर्च ऑन हो चुकी, ऑफ कर रहा हूँ। और नीचे आपको लाइट स्ट्रिप मिलती है, देखो ये लाइट स्ट्रिप है, टॉर्च सब आपको मिल जाएगा। मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्लूटूथ भी आपको मिलता है, सो आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हो। सो काफ़ी आपको अच्छा फीचर है, यहाँ पे आपको फ़ोन मिल जाएगा। साथ में भी इस फोन के वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, उसके सिंपली आपको एडजस्ट वॉल्यूम पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम रिंगटोन के बारे में बात करते हैं, कितना आपको लाउड मिलती है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। काफ़ी आपको लाउड रिंगटोन मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं कॉल वॉल्यूम के बारे में, जिससे तो कितना आपको लाउड वॉल्यूम मिलता है। ये रहा इसकी पावर रिंगटोन। सो आपको इस फोन में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है। सो अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही लाउड बहुत ही नॉइज़ है तो भी आपको इस फोन में आपके कॉल की रिंगटोन 100% सुनाई दे जाएगी। और इस फोन में ओनली आपको 2G का सपोर्ट मिलता है, सो इसको आप ओनली कॉलिंग एंड मैसेज के लिए यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 5 लोकल लैंग्वेजेस का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, जो काफी अच्छी बात है। सो भी आपको रिड्यूस स्टार 500 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अभी आते हैं कंक्लूजन पे। अगर आपको ओनली कॉलिंग के लिए कोई फोन परचेस करना है या तो आपको कोई अच्छा सा फीचर फोन परचेस करना है तो आप इस फोन को 100% कंसिडर कर सकते हो। आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो जाएगी, काफी आपको अच्छे प्राइस में अभी मिल रहा है। और इस फोन को परचेस करने के लिंक नीचे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो भी आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में आप बेल आइकन प्रेस करना, और अगर सब्सक्राइब कर ले तो मिलते अगले वीडियो में।